नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी की 3 बजे की 30 बड़ी खबरों में। वैक्सीनेशन में पिछड़ा अमेरिका, अटलांटा में 50% लोगों को वैक्सीन का एक ही डोज लगा, जबकि 4 जुलाई तक 70% आबादी को दोनों डोज लगाने का लक्ष्य था। दुशांबे में SCO बैठक से इतर अजीत डोभाल और मोहित यूसुफ की नहीं होगी मुलाकात, पाकिस्तानी NSA ने दी इसकी जानकारी। कुलभूषण जाधव मामले में सामने आया पाकिस्तान का अड़ियल रुख, विधेयक पर भारत का विरोध दरकिनार। चीन से तनाव के बीच मदद को आगे आया अमेरिका, ताइवान को भेजी कोरोना वैक्सीन की 25 लाख डोज। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सीमा की फेंसिंग जून के अंत तक हो जाएगी पूरी, पाकिस्तानी गृह मंत्री ने दी इसकी जानकारी। दक्षिणी चीन में फिर बढ़ा संक्रमण का खतरा, कैंसिल हुई सैकड़ों फ्लाइट। ब्राजील में कोरोना की तबाही, 5 लाख के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फौची ने भी जताया कोरोना वायरस के लैब में बनाए जाने का शक। उत्तर प्रदेश और असम में 2 बच्चे वालों को ही मिलेगी सरकारी सुविधाएं, कानून बनाने में जुटी राज्य सरकारें। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का ये जवाब। देश में 81 दिन बाद कोरोना का सबसे कम आंकड़ा सामने आया, बीते 24 घंटे में आए 58,419 मामले। पूर्वोत्तर के किसानों की मदद के लिए कदम उठाएगी मोदी सरकार, बायोटेक किसान कार्यक्रम लाने की हो रही है तैयारी। मध्य प्रदेश में 21 जून से वैक्सीनेशन का चलेगा महाअभियान, शिवराज बोले लोगों की जिंदगी बचाने का अभियान है टीकाकरण। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के विशेष सलाहकार ने कहा भारत की नीति बदलने से क्वाड में आई मजबूती। मसूद अजहर, हाफिज सईद भारत के 31 वांछित आतंकियों में है शामिल, UAPA के तहत दर्ज होगा मामला। लॉकडाउन में ढील मिलने के साथ ही काम पर लौटने लगे प्रवासी मजदूर, ट्रेनों में बढ़े यात्री। अयोध्या मंदिर एक बार फिर आया विवाद में, 20 लाख की जमीन बिकी 2.5 करोड़ में, वहीं मेयर ने उठाया इस पर सवाल। लगातार बारिश से मैथन और पंचायत डैम का बढ़ा जल स्तर, पश्चिम बंगाल अलर्ट पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 135 कोरोना संक्रमित मरीज, 2 संक्रमितों ने तोड़ा दम, वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 1639। झारखंड में कृषक पाठशाला की होगी स्थापना, खर्च होंगे 61 करोड़ रुपए। ट्रेन विमान से रांची आने वाले सभी यात्रियों का सोमवार से होगा टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, वहीं मजिस्ट्रेट फोर्स की भी होगी नियुक्ति। झारखंड के शिक्षक अपने गृह जिले में करेंगे नौकरी, स्थानांतरण नियमावली में संशोधन की तैयारी हुई शुरू। शिवहर के DM पर मुजफ्फरपुर के थाने में FIR, पत्नी ने लगाया दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का आरोप। बिहार में JDU का वर्चुअल सम्मेलन आज, कोरोना से बचाव समेत संगठन की मजबूती पर होगा मंथन। पाटलिपुत्र अशोक सहित 5 कोविड केयर सेंटर हुए खाली, पटना के 4 प्रखंड अब कोरोना संक्रमण से हुए मुक्त। कोरोना टीका लगवाने वालों को ही बिहार पंचायत चुनाव लड़ने की है इजाजत, सरकार से निर्वाचन आयोग की है मांग। टेस्ट में विराट कोहली के पूरे हुए 10 साल, 2011 में आज ही के दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ डेब्यू किया था, 2014 में कप्तान बने और 7 साल में इंडिया को बेस्ट टीम बनाया। कोहली के पास 18 महीने बाद शतक लगाने का है मौका, पॉन्टिंग का बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड भी टूटने की है उम्मीद। जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-2 से हराया, वहीं जर्मनी की रोनाल्डो टीम के खिलाफ लगातार 5वीं जीत, दोनों टीमों के पिछले 6 मुकाबले में 23 गोल पड़े। न्यूजीलैंड ने स्पिनर को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया तो शेन वॉन ने ट्वीट कर नाराजगी जताई। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर, तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशवाणी के साथ। साथ ही इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए और देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉग इन करें। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।